सो वेल हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये जानते उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपके काम आपके लाभ के लिए जानकारी बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें पहले बड़ी खबर की, तो यूपी में युवाओं को मिलेगा 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन, सीएम योगी ने किया ऐलान। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर गुरुवार को 20,000 करोड़ के ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और सांकेतिक रूप से कुछ लाभार्थियों को चेक भी सौंपा है। उन्होंने घोषणा की है कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार उन्हें 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी। सीएम योगी ने एमएसएमई को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया है। वही दोस्तों अब राम मंदिर में पुजारी एंड्रॉइड फोन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ऐसे होगी बात। 1 जुलाई से लागू हो जाएगा नया नियम। राम मंदिर में 1 जुलाई से कई नई व्यवस्था लागू हो रही है। इनमें से एक प्रमुख व्यवस्था यह होगी कि रामलला के पुजारी राम मंदिर में एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वही पर अब पुजारी किसी भी श्रद्धालु को टीका नहीं लगाएंगे, न उनसे पैसा मांगेंगे। धार्मिक न्यास समिति की यह बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इस बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी भी मौजूद थे और साथ ही तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय भी मौजूद थे। फिलहाल आपको बताते चले कि पुजारी एंड्रॉइड फोन का ना इस्तेमाल कर पाएंगे और ना ही टीका लगा पाएंगे और ना ही पैसा मांगेंगे। तो धूप से बचाएगी आंखें, देगा ठंडी हवा, इन खास फीचर से लैस है यूपी के ट्रैफिक पुलिस को दिया गया ये एसी हेलमेट। दोस्तों कानपुर यातायात पुलिस के 32 जवानों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत वातानुकूलित हेलमेट वितरित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जवान चौराहों पर खड़े होकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। कई बार ऐसा करते करते जवान बेहोश हो जाते हैं या फिर कोई अप्रिय घटना हो जाती है, इसीलिए एसी हेलमेट कुछ हद तक मदद करने में सहभागी बनेगा। मतलब कि ये आंखों को ठंडक देगा, सिर को ठंडक देगा, इसमें बढ़िया हवा मिलती रहेगी, काफी खूबियों से लैस है। आपको बताते चले हेलमेट एयर कंडीशन नहीं है या तापमान नियंत्रित करता है, इसलिए इसे एसी कहा गया है। इसमें हार्ड प्लास्टिक सील युक्त चश्मे भी लगे होंगे जिससे पुलिस कर्मियों की आंखों की धूप से बचाव होगा। बैटरी से इसमें लगा छोटा सा पंखा चलता रहेगा। बैटरी एक बार चार्ज होने पर 6 से 8 घंटे तक चलेगा और सामान्य हेलमेट से भारी होगा। 12 से 16 हजार रुपए में हेलमेट की कीमत बताई जा रही है। वही दोस्तों लखनऊ के बड़ा इमाम बाड़ा में हटेंगी फूल मंडी। व्यापारी बोले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए यहीं से फूल गए थे और ट्रस्ट ने कहा लीज खत्म हुआ। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा फूल मंडी को हटाने की तैयारी हो रही है। हुसैनाबाद ट्रस्ट ने एक नोटिस जारी करते हुए व्यापारियों को जल्द मंडी से दुकानें शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। इसके बाद व्यापारियों और फूल किसानों को चिंता बढ़ गई है। वही अयोध्या में रामपथ धसने पर 3 इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं। योगी सरकार का एक्शन है, विभाग के जांच के आदेश दिए गए हैं। अयोध्या में पहली बारिश में ही रामपथ धस गया, योगी सरकार ने इस पर सख्त एक्शन लिया है। सरकार ने शुक्रवार शाम को रामपथ बनाने वाले लोक निर्माण विभाग के 3 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है, साथ ही विभागीय जाँच के आदेश भी दिए हैं। देखिए इन 3 इंजीनियर के नाम क्या है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ध्रुव अग्रवाल, असिस्टेंट इंजीनियर अनुज देसवाल और जूनियर इंजीनियर प्रभात पांडे। 4 दिन पहले अयोध्या में जोरदार बारिश हुई थी जिससे रामपथ में 13 जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहा और बारिश रुकने के बाद लोक निर्माण विभाग के अफसरों ने आनन फानन में गिट्टियों से गड्ढों को भरकर लीपापोती की है। तो दोस्तों यूजीसी नेट हुआ, सीएसआईआर नेट हुआ या फिर एनसीईटी हुआ, इनकी डेट घोषित हो चुकी है। 10 जुलाई से 4 सितंबर के बीच में ये तीनों परीक्षाएं होंगी, सभी ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी। दोस्तों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और एनसीईटी परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा कर दी है। इनका एग्जाम 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में होगा। ये सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। इससे पहले जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था वो पेन और पेपर में हुआ था, लेकिन अब ऑनलाइन होगा। तो अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। पहलगाम कैंप में तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना हुआ है। शिवलिंग दर्शन के लिए आज 4,603 लोग चढ़ाई करेंगे। कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन शुरू हो चुके हैं और 29 जून से लगातार जत्था निकल रहा है। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो चुके हैं और शिवलिंग दर्शन के लिए आज कुल 4,603 यात्री चढ़ाई करेंगे। आपको बताते चले 4,603 यात्रियों का जत्था गांदरबल और पहलगाम बेस कैंप में पहुंचा है। 231 गाड़ियों में सवार होकर जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से सीआरपीएफ के 3 लेयर सुरक्षा के बीच यह जत्था रवाना हुआ था। तो महाराष्ट्र में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेगा। जी आपको बताते चले बजट इसका ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र का गरीब परिवारों को साल में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा और किसानों को 5,000 प्रति हेक्टेयर बोनस दिया जाएगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले शुक्रवार को 28 जून को एनडीए की एकनाथ शिंदे सरकार ने अपनी आखिरी बजट पेश कर दिए हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बजट में महिलाओं और किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है।
सबसे पहले बताते चले कि किसानों का बिजली बिल माफ हो जाएगा, खेती के लिए 5,000 प्रति हेक्टेयर का बोनस मिलेगा, गरीब परिवारों को हर साल 3 गैस सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। इसके साथ ही 21 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए कैश देने की बात भी इसमें शामिल है। यानी सरकार एक बार फिर से अगर इनकी बनती है तो ये घोषणाएं जो हुई है, इसका ऐलान हुआ है, इसका लाभ मिलता रहेगा। एनडीए की यहां पर सरकार है। राज्य सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए वैट में 3% कटौती यानी 24 से 21% की घोषणा की है। इसमें पेट्रोल में 65 पैसे और डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कमी आएगी। इसका फायदा सिर्फ मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे के लोगों को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर सस्ता गैस सिलेंडर मिलेगा, 5,000 हेक्टेयर का बोनस मिलेगा, दुग्ध किसानों को 1 जुलाई 2024 से 5 रुपए प्रति लीटर बोनस भी दिया जाएगा, जानवरों के हमले से मारे गए किसानों के परिजनों को 20 लाख रुपए और 25 लाख रुपए की मदद मिलेगी। यानी कि किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, साथ ही गरीब आदमियों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, जिससे कि एक बार फिर से सरकार बने और उनको ये फायदा मिल सके। तो दोस्तों, जियो एयरटेल के बाद अब वोडाफोन के रिचार्ज भी 20% तक महंगे हो गए हैं। 10 ग्राम सोना 444 रुपए महंगा हुआ है। सुकन्या समृद्धि पर 8.2% का ब्याज मिलता रहेगा। आइए आपको बिजनेस की खबर हम दे देते हैं। जी हां, भारत के दो सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया ने भी शुक्रवार 28 जून को मोबाइल टैरिफ में करीब 20% की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है। VI का अब 179 रुपए वाला सबसे सस्ता प्लान 199 रुपए में मिलेगा। 28 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डेटा मिलता है। फिलहाल 269 रुपए वाला प्लान 299 का हो गया है। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, 2 GB डेटा मिलता है। तो अब जियो एयरटेल के बाद वोडाफोन ने रिचार्ज पे 20% तक की महंगाई ला दी है। वही रिलायंस का मार्केट कैप 21 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। ये मुकाम हासिल करने में देश की पहली कंपनी बन गया है। शेयर ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है। 4 महीने पहले फरवरी 2024 में कंपनी ने पहली बार 20 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार किया था। इससे पहले कंपनी ने सितंबर 2021 में 15 लाख करोड़ का लेवल पार किया था। वही बड़ा ऐलान, सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% तक का ब्याज मिलता रहेगा। FY25 की जुलाई सितंबर तिमाही के लिए सभी स्मॉल सेविंग स्कीमों की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। सरकार ने सभी स्मॉल सेविंग स्कीमों की ब्याज दरों में जुलाई सितंबर तिमाही में कोई बदलाव नहीं किया। इससे PPF पर 7.1% का और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% तक का ब्याज मिलता रहेगा। वही सोने की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 10 ग्राम सोना 444 रुपए महंगा हो गया, 71,835 का मिलेगा। 1 किलो चांदी का भाव 88,000 करीब पहुंचा है। चांदी की कीमत लगातार कम होती जा रही है। इस महीने आपको बताते चलें कि सोने की कीमत 925 रुपए तक की गिरावट देखी गई है। फिलहाल सोने चांदी की नई कीमत जान लीजिए, 71,835 का मिलेगा 10 ग्राम 24 कैरेट वाला। और साथ ही चांदी 957 रुपए बढ़कर कुल 88,000 रुपए हो गया है। 94,000 से 88,000 चांदी पहुँच गई है। तो ग्रुप पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, यूजर का दावा निवेश के पैसे डूबे, इस घटना से निवेशकों के लिए क्या है लर्निंग। दोस्तों, इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म ग्रुप पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। यूजर ने दावा किया है कि 2020 में पराग पारिक म्यूचुअल फंड स्कीम में 10,000 रुपए निवेश किया गया और निवेश का ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल रहा और निवेश का फोलियो नंबर भी जनरेट हो गया, लेकिन जब वह रिडीम करना चाहा तो पता चला कि निवेश हुआ ही नहीं था। इस मामले में ग्रो और निवेशक दोनों की ओर से निवेश के जरूरी कंपोनेंट की अनदेखी हुई है। ग्रो ने कहा कि टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, उसे ठीक किया जाएगा, लेकिन इस प्रकार की गड़बड़ी से लाखों करोड़ रुपए का फायदा हो जाता है इन कंपनियों को और निवेशकों को नुकसान होता है। ऐसे में निवेशकों को इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, जियो का रिचार्ज 25% तक महंगा हुआ है। 239 वाला प्लान 299 का मिलेगा। 3 जुलाई से नई दरें लागू हो जाएंगी। अब आप यहां पे पूरी नई दरें देख सकते हैं। जो 155 का रिचार्ज कराते थे, अब 189 का कराना पड़ेगा। 209 वाला रिचार्ज 249 का कराना पड़ेगा। और जो सबसे फेमस था 84 दिन वाला 666 रुपए का रिचार्ज, वो अब आपको 799 में कराना पड़ेगा, जिसमें आपको 1.5 GB डेटा प्रतिदिन मिलता था। वही 719 वाला 859 रुपए में रिचार्ज कराना होगा। 999 वाला 1199 में कराना होगा। यानी कि एयरटेल, जियो, VI सभी ने अपने टैरिफ प्लान को महंगा कर दिया है। तो बड़ी खबर, कार्ड धारकों के लिए जुलाई महीने में फ्री राशन पर लग गया है ग्रहण, क्योंकि 8 लाख कार्ड धारकों ने नहीं कराई EKYC। दोस्तों, बात कर रहे हैं गोरखपुर की। ऐसे तमाम जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर किसी ने भी EKYC नहीं कराई और जुलाई में इनको समस्याएं आ सकती हैं। शासन का फरमान है कि 30 जून तक कार्ड धारकों को EKYC करानी है, वरना जुलाई महीने में फ्री राशन नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में धक्का मुक्की हो रही है और EKYC नहीं हो पा रहा। ऐसे में 8 लाख कार्ड धारकों का जुलाई महीने में फ्री राशन पर ग्रहण लगा है और देखा जाए तो लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे उत्तर प्रदेश में हैं जिन्होंने EKYC नहीं कराई। फिलहाल अभी ये डेटा एक्यूरेसी के साथ नहीं दिया गया। इसका कारण ये है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने EKYC नहीं कराई और जुलाई महीने में उनके राशन पर ग्रहण लगा है। वो यूपी में OBC, SC और ST नियुक्तियों पर NDA में घमासान मचा है।
अनुप्रिया ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। जी हां, अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी से अनुरोध किया है कि चाहे जितनी बार भी जरूरी हो कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया अपनानी पड़े, लेकिन हर हाल में यह सीटें उन्हीं वर्गों में भरी जाए जिनके लिए रिजर्व की गई हो, न कि नॉट फाउंड सूटेबल बताकर अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कर दिया जाए। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट न्यूज। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।